चीनी मिल बिस्वा के प्रयासों से किसान रासायनिक खादों की अपेक्षा जैविक खादों का प्रयोग करने में आगे आने लगे हैं। मिल के सुझाव पर किसानों ने उन्नतशील प्रजाति 238-72-118-98-14 आदि का चयन कर बुआई भी की है। किसानों को उसका फायदा भी दिखने लगा है। फसलों में अच्छी बढ़वार व किल्ले निकल रहे हैं। शुक्रवार को दी सेक्सेरिया सुगर फैक्ट्री बिस्वा के महाप्रबंधक व सलाहकार डॉक्टर अनूप कुमार ने क्षेत्र में भ्रमण कर उन्नति देखी। ग्राम अरुआ भगहा में उन्होंने बताया कि मिल क्षेत्र में 90% को 238 प्रजाति का रकबा है, जो लाल सड़न काना रोग से ग्रसित हो रहा है। ऐसा है कि हमारे मिल क्षेत्र में करीब 85% 0238 हो गया था, और उसमें काना रोग जिसे कैंसर रोग कहते हैं, कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी होता है, जैसा कि लोग आदमी में कैंसर हो जाता है। लेकिन हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, हमारे एडवाइज़र साहब हैं, इन्होंने हमें सलाह दी कि ट्राइकोडर्मा से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। उस बात पे हमने ध्यान दिया और ट्राइकोडर्मा की ट्रेंचिंग हर 238 के प्लाट में कराई, जिस प्लाट में रेड डॉट लगा हुआ था, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि सारा जो गन्ना सूखा था वो तो सूखा ही था, बाकी सारा खेत हरा हो गया है। दूसरी चीज़ ये है कि जो वेराइटल डिमोन्स्ट्रेशन और वेराइटल ट्रायल्स जो हम अपने स्तर से किसानों के यहाँ लगवा रहे हैं, सिर्फ ये शो करने के लिए कि आप कम जमीन में भी अधिक पैदावार ले सकते हैं। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने वाइड स्पेस प्लांटिंग की बात की, यहाँ पहले लोग फावड़े से गन्ना बोते थे, उसके बाद हमने लोगों ने रिजर्व्स को इंट्रोड्यूस किया जो 75 सेंटीमीटर पे थे। अब आप देख रहे हैं कि ये प्लाट 4 फीट की दूरी पर लगा हुआ है, इंटरक्रॉपिंग अलग से है, आम के आम गुठली के दाम, गन्ने से जो पैसा मिलेगा वो तो मिलेगा ही, उसके अतिरिक्त जो इंटरक्रॉप होगी उससे अतिरिक्त किसान की आमदनी होगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स को बहुत ही कम, जो हम बहुत भारी मात्रा में खरीदते थे, उसको बिल्कुल कम कर दिया है। बीजामृत, नीमामृत और ये नीमास्त्र, तीन चीजों का प्रयोग किया जा रहा है, जो क्रॉप आप दे सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्रॉप है। फैक्ट्री के सलाहकार डॉक्टर राम कुशल सिंह ने कहा कि इसमें 0238 है और 0118 है, 0-82-72 है और 0-98। हम इसको जल्दी बुआए सितंबर में, 14 सितंबर को हमारा बो गया था, और इसको बोने से हमें टिलिंग हुई है बहुत अच्छी हुई है। इसमें 82-72 में तो 15-16 तक टिल जा रहे हैं और 18 में 5-7-8 तक जा रहे हैं। उधर जो हमारा ये है 98-014 है, इसमें भी टिल अभी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 5 और 7 के मध्य चल रहा है, मतलब 6 का औसत हम देख लें तो ऐसा चल रहा है। और इसकी बढ़वार हमें इस वर्ष जो देख रहे हैं कि बहुत अच्छी हो रही। दूसरी नीमास्त्र हमने जो प्रयोग किया है, हमें कुछ कीट लगे हुए थे देखिए, तो इनसे जो है हमको निजात मिल गया है। और जो अन्ना सांड घूम रहे हैं ये भी आते रहते थे, लेकिन जब से हमने इसका प्रयोग नीमास्त्र का प्रयोग किया है तो उनका भी आना जाना कम हो गया, मतलब जानवरों से रक्षा हो गई। बिस्वा मिल ने जो गन्ने का इस लॉन्च किया, इससे जो किसान भाइयों को बेनिफिट हो गया, आपको बेनिफिट है इस जी बिल्कुल। और कुछ आप कहना चाहेंगे? जी हम ये कहना चाहेंगे जी, बुआई तो ट्रंच विधि से करें, सभी किसान भाई जो है हमारे ट्रंच विधि से करें, 4 फीट की दूरी पे करें। हम ये कहना चाहेंगे कि जितना भी बायो प्रोडक्ट है, चाहे अपने हाथ से बना लें या मार्केट में उपलब्ध रहता है, हमारा सेक्सेरिया चीनी मिल भी उपलब्ध करा रहा है, उसका भी प्रयोग करें तो इससे ज़्यादा इनको लाभ मिलेगा। रासायनिक खादों का और रासायनिक कीटनाशी हैं, फंगीसाइड हैं, इनका प्रयोग कम से कम करें, अति आवश्यक हो तो ही करें, बाकी जहां तक ना करें तो ज्यादा बेहतर। सहायक प्रबंधक गन्ना विमल मिश्रा ने बताया कि ये जो सबसे लोकप्रिय गन्ना है, अद्भुत गन्ना जिसको कहते हैं, को 0238 में काना बीमारी लग गया था, जिसको केवल बिस्वा में नियंत्रित किया गया है ट्राइकोडर्मा ऐसे फफूदी के सहायता से। सर इसकी पैदावार क्या होगी? इसकी पैदावार बीघा के हिसाब से अगर बताएं तो 80-90-100 क्विंटल प्रति बीघा, या ये कहिए कि 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। यहाँ कोसा 0-82-72 भी है, 82-72 की पैदावार 1250 क्विंटल पर हेक्टेयर हो रही है। यहाँ 118 है, उसकी भी पैदावार 1000-1500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। तो इस तरह से बिस्वा चीनी मिल ने 5 वेराइटी को लिया है ऊंचे की खेत के लिए, को 0238, को 0118, कोसा 0-82-72 और जहां जल भराव हो रहा है उसके लिए को 98-014 और दूसरी वेराइटी को लख
94,194। हमारे मिल के तरफ से तो इतना सहयोग मिल रहा है कि अभी जब को 238 में व्यापक विभीष का प्रकोप हो गया था, रेड रात से गन्ने सूख रहे थे, तो हमारे प्रबंध तंत्र ने, चाहे वो प्रकाश बाबू हो, चाहे वो हमारे यूनिट हेड सिंगल साहब हो या डॉक्टर अनूप कुमार हो, सभी लोगों ने युद्ध स्तर पर ट्राइकोडर्मा बिल्डी का छिड़काव करा के 15 दिन के अंदर, और आप जाकर के किसानों से पूछ सकते हैं कि जितने गन्ने सूख गए थे वो तो मर गए थे, लेकिन जो हरे गन्ने थे आज भी हरे हैं। ये बिस्वा चीनी मिल के स्टाफ का प्रयास है। फैक्ट्री के जीएम राजीव तोमर, फैक्ट्री के ओम प्रकाश यादव, किसान गोवर्धन लाल, विश्वनाथ वर्मा, रामचंद्र, विनोद कुमार, गया प्रसाद, राम लखन आदि मौजूद रहे। आई इंडिया के लिए सकरन से विनय अवस्थी की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।